बढ़िया लग रहे हैं यार, क्वालिटी वाइज देख लो, मेटल है ये, अच्छी क्वालिटी का है, हैवी है काफ़ी। ये नंबर प्लेट की यहाँ पे लगेंगे ठीक है, जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है आपकी। यूट्यूब चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होने वाला है। भाई चेन स्प्रे करना था, चेन लूप। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं आज अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मे बी 2 वीक्स ऊपर हो चुका है। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली यूजफुल रहेगा भाई, अगर आपके पास बाइक है तो ठीक है, जैसे कि RS होगी भी स्पोर्ट्स बाइक है आपके पास ठीक है। तो भाई मैंने अपनी बाइक के लिए मंगवाए हैं रियर व्यू मिरर्स ठीक है, तो इसके अनबॉक्सिंग की तरह से कल कर लिया है मैंने चेक करने के लिए। बाकी अभी आपको बताऊंगा भाई, ये मिरर्स मैं फिट करूंगा बाइक में, और साथ में यार ये रैप है जो ऑनलाइन मंगवाया हुआ था मैंने, जो कि मैं करवाने वाला हूँ यार अपने एग्जॉस्ट में। यहाँ पर पूरे देखो स्क्रैचेस आ गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कोई करवाना है तो ये भी करवा लेंगे अभी। और भाई यहाँ भी टेपिंग वगैरह करवानी पड़नी, काफ़ी गिर गई थी बाइक साइड को, तो उसी ने बाकी यार इसके मीटर्स जो होते हैं ना RS 200 में, वो बहुत ही घटिया और चीप क्वालिटी करते हैं यार, जो हल्की सी बाइक ऐसे गिरे या फिर हल्का झटका लगे ना यहाँ पे तो वो टूट जाते हैं। तो भाई मैंने ये मीटर्स मंगवाए हैं, और आपको बाइक करना रहेगा तो भाई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है। तो भाई अभी देखते हैं कैसे रहते हैं भाई, ये इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर देता हूँ। और एक हाथ से कैमरा पकड़ा मैंने, तो भाई इस जो मैंने कैमरा मंगवाया इसके स्टिक का ये फ़ायदा इसका, ये काफ़ी लंबी स्टिक है। ये है गाइस मेरी बाइक के मीटर्स, तो ये देख लो, ये साथ में टूल आता है, ये दरअसल मैं रात को देख लिया था, चेक कर लिया था मैंने एक बार, तो ये कीज़ और कुछ बोल्ट्स होते हैं। और भाई ये है मिरर्स ठीक है, तो भाई इस कुछ इस तरह से हैं, इस शेप के, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं यार, क्वालिटी वाइज देख लो, मेटल है ये, अच्छी क्वालिटी का है, हैवी है काफ़ी। ये भी देख लो भाई, तो गाइस अभी इनको इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक में। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि यार मेरा मिरर्स ना यहाँ से टूट चुका है, ये कम से कम 2-3 बार मिरर्स टूट चुके हैं मेरे, और मैं चेंज करवा करके ना थक गया हूँ, तो मैंने फाइनली फिर ये ऑर्डर किए हैं अभी, और इनको लगा के देखते हैं अभी कैसा लुक आता बाइक का। आई होप कि यार अच्छा ही आएगा, उसके रिव्यू वगैरह काफ़ी अच्छे थे। तो भाई इनको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको बस ये नोट जो नंबर प्लेट है ना, ये बोर्ड्स खोलने हैं। दरअसल मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो देखी, पर किसी ने भी प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि इनको कैसे इंस्टॉल करना है किस तरह से, तो आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा मैं, तो स्टे ट्यून गाइस। भाई देखो ये ना रोटेटेबल है, ये रोटेट हो जाता है, और साथ में ये भी ऐसे हो जाता है आगे पीछे, अगर आपने कर अपने हिसाब से सेट ठीक है इस तरह से। तो भाई ये कुछ ऐसी लग रही है, अब वाह यार ये तो पूरे इस तरह इतने रोटेट हो जाते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ना बहुत ख़तरनाक है, बढ़िया लग रही है यार, पर फिट है। देखो आप देख लो फिटिंग पे, देख लो आप, तो ये नंबर प्लेट के यहाँ पे लगेंगे ठीक है, जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है आपकी उसी में, जहाँ पे पुराने शीशे लगते थे वहीं पे फिट हो गया ये आराम से, बिल्कुल ईजिली RS में भाई बहुत ईजिली फिट हो गया, और ऐसा कुछ लग रही है बाइक अपनी ठीक है, इट लुक्स प्रीटी गुड यार, सुपर। तो भाई इसके कुछ शॉर्ट्स वगैरह लूँगा मैं, अब आपसे शेयर करूँगा गाइस। बाकी देख लो ये कुछ ऐसा लुक दे रही है, और अंदर से देखने पे भाई ये कुछ ऐसी लगेगी आपको शीशे, फैंटास्टिक यार गुड, फिर खोल देंगे इनको तो ये कुछ ऐसे लगेंगे। बाकी अभी मैं मोटर व्लॉग में जाऊंगा करने शूट, तो भाई आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे लग रही है देखने में शीशे, कैसा लुक दे रही है ठीक है। बाकी गाइस अभी जो काम करवाना है थोड़े टाइम में, वो उसका टेल लाइट जो है ना ये चेंज करवानी है मेरे को, टेल टाइडी वगैरह फिट करवानी इसमें, वो काम भी बहुत जल्दी करेंगे। तो बस निकलते हैं अभी और मिलते हैं मोटर व्लॉग में। सो गाइस वीडियो में बने रहें आप, और गाइस मिलते हैं अभी मोटर व्लॉग में, लेट्स गो।
सो गाइस अभी निकल रहा हूँ मैं घर से। और भाई देख लो यार, बाइक लग रही ख़तरनाक ही मस्त लग रही है। और अभी चलते इसका रैप करवा लेता हूँ मैं ना टाइम से, उसके बाद कुछ शॉर्ट्स वगैरह लूँगा मैं। तो कैसी लग रही है भाई कमेंट करके बताओ। और मेरा बाइक कोई भी यार RS या फिर RC किसी भी बाइक के लिए यार ये मिरर्स मंगवाना चाहता ना वो मंगवा सकता है। और इजी है बहुत इंस्टॉल करना, कोई ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, इजी टू फिट है, पक्के काम हो गया भाई, पक्का फिट हो गया प्रॉपर। मैन करते अपने बीस्ट को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यार, मेरी बाइक का अलाइनमेंट आउट था, उसका वीडियो मैंने बनाया था ठीक है, वो तो मैंने ठीक करवा लिया। देखो आपको यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा मेरे बाइक का अलाइनमेंट आउट था, इस साइड से ना ज़्यादा टायर खाया है और इस साइड से टायर फिट थोड़ा ठीक है, तो भी अगले टायर भी ख़त्म है भी चेंज करवा लेंगे। लेकिन जो इसका अलाइनमेंट जो ठीक हुआ ना यार, उसका खर्चा मेरे को आया 2200 रुपये, मोटा खर्चा है। अगर आपके पास RS है या पल्सर है ना आपके पास और उसका अलाइनमेंट आउट है, तो भाई समझ लो कि खर्चा होने वाला है, आपका टी चेंज होगा अंदर से ठीक है, वो सिर्फ सीन है भाई। तो चलते गाइस लेट्स गो, कि भाई आगे से देखने का मज़ा आ रहा है, इतनी कूल लग रही है ना यार, अल्टीमेट खतरनाक ही लग रही है यार। अरे वाह क्या बात है, सुपर्ब भाई यार, मैं सच बोल रहा हूँ ये जो मिरर्स है ना इनका जो क्वालिटी है ना यार बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही मस्त क्वालिटी के मिरर्स है यार ठीक है। और गाइस अभी एक गुड न्यूज़ आपको बताता हूँ मैं, और कि यार मेरा ना जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होने वाला है, सो बस अपना प्यार बनाए रखो मेरे चैनल में। तो मैं एक चीज़ बताऊँ तो पीछे का कुछ नहीं दिख रहा भाई, सीधी सी बात जो बता रहा हूँ। और वैसे भी RS के जो ओरिजिनल जो होते हैं कंपनी से, उनसे भी पीछे का कुछ नहीं दिखता था, तो मेरे को पता नहीं भाई कंपनी क्यों देती है ऐसे मिरर्स, बट हाँ इट लुक्स गुड। जय श्री राम, फटाफट इसका टेपिंग का भी करवा लेते, उसके बाद एक राइड करेंगे खतरनाक। हाल ही में ना कुछ दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था रात को, बहुत ही खतरनाक, एक बुलेट फिर पता नहीं दो गाड़ियाँ थी, गाड़ी दुकान में घुस गई थी ऐसा कुछ, उसका वीडियो आपसे शेयर कर देता हूँ मैं। एक बाइक एक्सीडेंट जाइलो, ये आगे से पूरी ठुकी है, एक आल्टो है उधर वो भी दुकानों में घुसी है। चलो भाई लगा देते बाइक अपनी, बापरे ओके जी करवा देते हैं यहाँ पे काम। नमस्ते भाई, बढ़िया ठीक भाई, इसका टेपिंग करवानी थी यहाँ पे ना रेडियम रेड में, रगड़ की थी साइड से ना ये, बाकी रैप करवाना मैं लाया हूँ ना वो आपने एग्जॉस्ट में करना पीछे। A few moments later. चलो जी, सो गाइस बाइक का काम कंप्लीट हो गया मेरा, बाकी मिरर्स भी देख लो भाई खतरनाक लग रहे हैं, सॉलिड है भाई मिरर्स भी, सुपर्ब। सो लेट्स गो ठीक है भाई, बाइक का जो चेन है ना उसको चेन लूप करवाए हुआ है ना मेरे को महीने से ऊपर हो गया है, कम से कम मैंने 200-300 किलोमीटर चला दिए भाई बाइक विदाउट एनी लूप चेन लूप के, तो ये भी करवा लेता हूँ मैं। यहाँ पे ना नाका लगता रात को शाम के टाइम बहुत ख़तरनाक भाई आजकल, तो वो भी देखते हैं भाई कि वो भी देख लेंगे लेंगे, दिखिए रहा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन गई पेंशन लेने। अरे वाह यार, राजा भोसड़ी
अरे यार शॉप तो बंद है, फक हो गया। नीचे होगी मैकेनिक की शॉप, देखते हैं। भैया चेन बुक कराना था, स्प्रे नहीं होगा? अरे यार पूछना पड़ेगा यहाँ पे। भाई चेन स्प्रे करना था, चेन लूप। ओके लो भाई, बड़ी टाइट होगी, पता नहीं क्या सीन है। अच्छा ओके, कितना हुआ? अरे भाई बता। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके ओके, भाई ने पैसे लिए, कोई फ्री में कर दिया भाई ने। ठीक है भाई, ओके ओके, चलो जी। चाचा देख रहा है। फैंटास्टिक भाई, इन मिरर्स के साथ मतलब अल्टीमेट मजा आ रहा चलाने का। जो बाइक का लुक लग रहा ना, आ रहा ना हो यार, क्या ही बताऊं मैं, मतलब सुपर्ब यार, एक नंबर खतरनाक। यहाँ पे कुछ लग गया है, अभी ये क्या लगा हुआ है? टेप लगी थी यार। नहीं टाइम ना, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत ही जल्द। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ना यार, फिर देखो आप धमाल। अब कुछ शॉर्ट्स कर लेते, खनियारा से चलते हैं। सो गाइस, अभी देखो मैंने मिरर्स बंद कर दिए, और अभी बंद करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है भाई ये। और फ्रेंड्स अभी वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आपको बाय करना रहेगा ना ये मिरर्स, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। और गाइस ऐसे आपको कोई भी यू नो व्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सेसरी चाहिए, तो भाई वो सब चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी व्लॉगिंग में ना, वो सब उन सब चीज़ों को एक्सेसरीज का जो है लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लें माइक GoPro से या कोई भी एक्सेसरी जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी व्लॉगिंग में, उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और फ्रेंड्स चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आप तक मेरे अपकमिंग जो वीडियो है वो पहुँच पाएँ। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।